आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही गजब न्यूज है और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। और केरल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई है। तो आखिरकार केरल में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है जो मुनम्बम है भाई? 404 एकड़, एक एकड़ में पता है कितने स्क्वायर फीट होता है? 44,500 स्क्वायर फीट के करीब। अब आप ये समझो कि आपका जो एक मकान है, चार लोगों का मकान 1,000 स्क्वायर फीट पे होता है, दो कमरे 2 BHK 1,000 स्क्वायर फीट लगभग। अब उसको मतलब 44 गुना आपका मकान का एक एकड़, और उसको इंटू 404 कर लो, मतलब दो गांव आ गए हैं यहां पे। जो दो गांव है मुनम्बम में, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, मुनम्बम में पूरा का पूरा लैंड है हमारा। क्या पूरा इतिहास है और क्यों इस पे इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसके बाद ये कोर्स 1,000 रुपए का हो जाएगा। नीति 70 कूपन कोड हम खत्म कर देंगे और फिर आपको पता है कि हम प्रमोशन भी नहीं करते ना, आई मीन बाय इट। आप सभी को पता है बैचेस शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए 300 का ये कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अब 17 नवंबर से क्लास शुरू हो रही है। अगर आपको लगता है स्पिरिचुअल विजडम, जिंदगी को कैसे जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी जिंदगी में बहुत कमाल का चेंज ला सकती है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, और ऐप स्टोर, अगर आपका एप्पल या अगर आप एप्पल यूजर है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से अवेल कर सकते हैं। तो यहां पे कहां से सब कुछ शुरू होता है, देखिए पहले तो वक्फ की बात हम कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने इसमें काफी लेक्चर लिए थे, वक्फ लैंड, अभी वक्फ बिल आया, सरकार ने विड्रॉ कर लिया। वक्फ जो होता है वो एक चैरिटेबल चीज होती है, एक प्रॉपर्टी, एक गिफ्ट, एक चैरिटी। यानी कि इस्लाम के जो 5 प्रिंसिपल है उसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जकात। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको लोगों की मदद करनी ही करनी है, आपको अपने पोर्शन का 2.5% जितना आप कमा रहे हो वो आपको देना ही है नीडी को, ठीक है ना। तो इसी के तहत वक्फ का ये जो कंसेप्ट है बहुत समय से, 1,000 सालों से चलता चला आ रहा है, जब से इस्लाम आया है। अब यहां पे वक्फ का मतलब सिर्फ यही है कि गिफ्ट, ठीक है, या चैरिटेबल पर्पस के लिए। मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, मेरी प्रॉपर्टी है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी पे एक मस्जिद बनाई जाए लोगों के लिए, याद रखिएगा पर्सनल यूज नहीं, लोगों के लिए, कब्रिस्तान बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बोलूंगा वक्फ, हर 30 वक्फ बोर्ड है राज्य में, कैपिटल जो सिटी होती है वहां पे एक वक्फ बोर्ड होता है, वहां पे जाऊंगा बोलूंगा मेरी प्रॉपर्टी है सर, आप ले लीजिए, यहां पे आपको जो बनाना हो करिएगा। तो उन्होंने वो रजिस्टर मेरी प्रॉपर्टी ले ली सेक्शन 4041 के तहत। उसके बाद क्या हुआ, अगर 8 साल बाद मुझे होश आया, मैंने कहा नहीं नहीं मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, और मैं दोबारा गया कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दीजिए, तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, समझ रहे? एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, बहुत सारी जो जमीनें हैं वो या तो मुस्लिम्स की रही, या यहां पे मुस्लिम रूल रहा, या फिर बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए तो वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, तो उस पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वहां पे वक्फ का कंट्रोल हो जाता है, और वक्फ किसी पे भी दावा ठोक सकता है। मैं जाकिर नाइक का एक इंटरव्यू बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही नफरती बातें बोलते हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत सही बोली। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया वक्फ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कानून वक्फ का भारत में है, सबसे ताकतवर, जो वहां पे संविधान बनाया जिन्होंने, जिन्होंने कानून बनाया, सबसे ताकत यहां पे भारत की मुस्लिमों को दी है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, आर्मी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। कमेटी बकायदा 2076 में बैठाई गई थी। अब देखिए इतनी ज्यादा जमीन है तो कई बार इसमें करप्शन भी होता है, कई बार वक्फ की जमीन ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है, कई बार यू नो, एक ये भी है कि इसमें कोई वुमेन्स नहीं है बॉडी में, कोई जो पूरी कमीशन देखते उसमें कोई वुमेन नहीं है। ये सारे चेंजेस जो है वो वक्फ बिल में किए गए कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आप कैसे दावा नहीं ठोक सकते, लेकिन फिर इस पर ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो उसको विड्रॉ कर लिया गया। ओके, तो यहां पे लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो कोई भी वक्फ, और यहां पे वक्फ जो है वो दावा भी ठोक सकता है, ठीक है। 8.5 लाख करोड़ के करीब इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी वर्थ इस समय वक्फ के पास है, ये आप समझ गए। कल को अगर मान लीजिए कि मेरी जमीन है और अगर वक्फ कह रहा है कि हमारी जमीन है तो मुझे शायद इस जमीन से हटना पड़ेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, जब आप रजिस्ट्री करते हो तो प्रॉपर उसका इतिहास निकलवाओ। कई बार डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है, कई बार
ठीक है, मैंने बताया करप्शन है, तो इसीलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। केरल में यही प्रॉब्लम है। अब एर्नाकुलम यहां पे जो मुनम्बम में, ये तो जो पार्लियामेंट बिल है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। इसमें दो गांव आते हैं, मुनम्बम मतलब 404 एकड़, मैंने आपको सब कंसेप्ट समझा दिया, मैथ समझा दी, मतलब पूरा गांव ही आप समझ लीजिए। तो ये पूरे जो गांव है ना, विपिन आइलैंड, बहुत ही खूबसूरत, तो यहां पे क्या है कि लगभग 604 परिवार रहते हैं, ज्यादातर ये फिशिंग, ये क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है, फिशिंग करते हैं, जिसमें अब आपको पता है कि केरल में 50% से ज्यादा क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, मतलब वहां पे है मेजॉरिटी है, तो ज्यादातर 400 क्रिश्चियंस फैमिलीज हैं और 204 हिंदू रेसिडेंट्स जो यहां पे रह रहे हैं। ओके, 1902 में यह कहानी शुरू होती है, यह कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है। तब क्या हुआ, जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने ये लैंड दे दिया, एक ट्रेडर आए मोहम्मद सत्तार करके मतानचेरी से, वहां से, तो इनको ये लैंड लीज पे दे दिया, ठीक है ना, कि जाओ एक काम करो, तुमको मैं ये 404 एकड़ का बहुत बड़ा लैंड है और मैं तुमको किराए पे देता हूं। और उस समय ये कम्युनिटीज यहां पे रहती थी, एक आदमी तो लैंड देखेगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा लैंड अगर एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, गांव के जितना बड़ा, तो उसमें लोग भी रहेंगे, तो यहां पर लोग रहते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिशिंग कम्युनिटीज यहां पे रहती थी। अब आता है भारत आजाद हुआ, अब जब भारत आजाद हुआ 1947, तो अगले ही साल 1948 में इन्होंने क्या किया, अपने दामाद के नाम इसको ट्रांसफर कर दिया, और ये बेच दिया था त्रावणकोर के राजा ने, तो इनको जाके ट्रांसफर कर दिया इनके नाम पे। अब इनके दामाद ने क्या कहा कि देखिए भाई, हम इतनी बड़ी जमीन का क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर कॉलेज बना दीजिए, ठीक है, तो इन्होंने ये जमीन वक्फ को दे दी कि आप यहां पे कॉलेज बना दीजिए, और ये फारूक कॉलेज बनेगा कोझीकोड में, जिससे मुस्लिम्स जो है वो एम्पावर रहेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि 1 नवंबर 1950 में भाई रजिस्ट्री होती है, सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई वक्फ के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, वक्फ के नाम पे सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, कोई प्रॉब्लम, अगेन सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहां के लोगों का क्या, तो एक लीगल बैटल शुरू हो जाती है। यहां पे जो फैमिलीज ले रहे हैं कि भैया हम बहुत समय से रह रहे हैं, कॉलेज कह रहे हैं निकलो निकलो, हमको ये सब, हम यहां पे कॉलेज बनाएंगे, तो लीगल बैटल 10 साल तक चलती है 1960s तक, और फिर एक जब बहुत ज्यादा लड़ाई माफ करो, तब यहां पर सेटलमेंट होता है, भाई इतने लोगों को तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो यहां पे सेटलमेंट में ये बोला जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है कि भाई काम करते हैं कि यहां पे आप लैंड ले लीजिए। अब क्या हुआ कि फारूक जो कॉलेज था उन्होंने बोला भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो जो लैंड है वो मार्केट प्राइस पे बेच दिया, जो वहां के रेसिडेंट हैं उनको यही वाला लैंड बेच दिया मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे जब बेचा उसमें यह नहीं लिखा था, उसमें लिखवाया ही नहीं। अब उस समय रजिस्ट्री, मैंने बताया ना कि जब भी आप प्रॉपर्टी लो तो आप डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से वेरीफाई करो, वो पूरा हिस्ट्री कहां से आ रही है, आप समझ रहे हो, कहीं वो वक्फ लैंड तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं, क्योंकि ज्यादा, तो अब ये नहीं बोला कि वक्फ है, वरना तो कोई लेता ही नहीं, इन्होंने बोला नहीं ऐसा गिफ्ट ये दिया गया था। यहां से पूरा मामला अटक गया। फिर उसके बाद यहां पे वक्फ ने इस पे दावा ठोका कि ये तो हमारी लैंड है, आप जिस पे रह रहे हो, है ना। CPIM उस समय सरकार 2008 में, इन्होंने अचुनंदन कमिटी बनाई, जज एम ए निसार के अध्यक्षता में, अब उन्होंने भी इनके यहां पे सपोर्ट किया एक तरीके से वक्फ का, कि देखिए जो लॉस ऑफ एसेट हुआ है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड की परमिशन नहीं मिली गई, यहां पे वक्फ बोर्ड की परमिशन चाहिए, वैसे भी अगर आपको लैंड ट्रांसफर करना है तो बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, तो यहां पे परमिशन ली ही नहीं गई, परमिशन लेनी चाहिए ना, नहीं ली गई, तो एक तरीके से स्टेट ने यहां पे वक्फ का सपोर्ट किया। और उसके बाद 2009 में जब रिपोर्ट सामने आई तो वही बोला कि भाई जो लैंड है मुनम्बम में ये एक वक्फ प्रॉपर्टी, और जो कॉलेज मैनेजमेंट है इन्होंने बोर्ड का कंसेंट लिया ही नहीं। अब आती, अब यहां पे दिक्कत शुरू होगी। 2019 में, आज से 5 साल पहले, सेक्शन 4041 के तहत स्वतः संज्ञान लिया यहां पे वक्फ ने, और उन्होंने कहा यह प्रॉपर्टी है हमारी, बस ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आप अपना देख लो। बाद में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसने स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ओवररूल किया। अब ये मामला चला गया केरल हाईकोर्ट में, उसी दौरान केरल हाईकोर्ट में, और इस समय बहुत सारी अपील्स जो है इसको लेकर पेंडिंग है, आप ये समझिए। अब सबसे बड़ी बात ये, तो हमने इतिहास देख लिया, व्हाट नेक्स्ट,
तो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन मुस्लिम, उन्होंने कहा कि देखिए जो यहां पे लोग रह रहे हैं हम उनको एविक्ट नहीं करने वाले, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम यहां पे आपको नहीं निकालेंगे, एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो एक हाई लेवल मीटिंग होगी। लेकिन बेटा इलेक्शन होने वाले हैं केरल में और बीजेपी इसको मुद्दा बनाने वाली है, बीजेपी की पैठ बढ़ रही है केरला में, समझ रहे हो, क्रिश्चियंस का साथ वो ले रहे हैं, तो यही हिसाब किताब है। अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आपके सामने मैंने पूरी खबर रख दी, आई होप समझ गए होंगे आप। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं क्योंकि बस अब 3 दिन है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।